मात्रम स्वागत है आप लोगों का मोदी न्यूज में। भाइयों बहनों, इसरो की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, हमारा चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में, लेकिन उससे पहले बता देना चाहता हूं, हमारे चीफ ऑफ इसरो डॉक्टर के सिवन जी ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी और बहुत बड़ी खुशखबरी दी है पूरे भारत वर्ष को, जिसको सुन के आप लोग नाच उठेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, एक भारतीय होने पे आप लोगों को इतना गर्व होगा जो मैं आप लोगों को बताने आ रहा हूं। उस खुशखबरी के बाद आप लोग शायद फूले नहीं समाएंगे, इसीलिए बता देना चाहता हूं। एक सच्चे भारतीय तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके लिख दें जय भारत जय विज्ञान। भाइयों बहनों, मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे हमारा जो चंद्रयान 2 है, जिसके बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने हमारे ऊपर एक बहुत गंदी टिप्पणी की थी भाइयों बहनों, और लानत है ऐसे देश पे जो दूसरे देश की उन्नति से जलता है। तो मैं आप लोगों को अब बताता हूं कि कैसे हमारे चंद्रयान 2 से अब हमारा संपर्क होगा, डॉक्टर के सिवन जी ने क्या कहा है, और कैसे हमारा जो ऑर्बिटर हमें इमेज भेज रहा है उससे हमें क्या क्या फायदा होगा। तो आज का वीडियो कतई ना मिस करें। अगर आप एक सच्चे भारतीय तुरंत वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। भाइयों बहनों, अब मैं आप लोगों को बताता हूं, भारत से जो चंद्रयान 2 भेजा गया था उसमें एक ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर मतलब वो थर्मल इमेजेस देता है, ऐसी इमेजेस देता है कि अगर हम लोग अंतरिक्ष से सीधे धरती पे सारी इमेजेस, मतलब कितनी भी छोटी कण हो, कितनी भी छोटी कार हो, उसको लोकेट कर सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास आज से 20 साल पहले पहुंच चुकी थी, क्योंकि इनकी मिसाइल 20 साल पहले वहां पे जा चुकी थी, तभी उनके पास हर चीज की जानकारी होती थी। हमारे जो इसरो था उसने कांग्रेस के सामने अपना इस प्लान को रखा था, लेकिन कांग्रेस ने उसको कभी पास नहीं किया था। इसके लिए हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, उनने इसकी नींव रखी थी। अब डॉक्टर के सिवन जी जो हेड चीफ ऑफ इसरो है, उनने इसको लोकेट किया और इसको पूरी तरह से यहां से लॉन्च किया। अब बता दूं भाइयों बहनों, चंद्रयान 2 में तीन तरीके के मिशन थे। पहले हमें चंद्रमा पे, हमारी मिसाइल पहले ही पहुंच चुकी है, लेकिन चंद्रमा का जो सबसे ज्यादा कम ग्रेविटी वाला एरिया है उसको कहा जाता है डायरेक्शन 234, एवं उसको कहा जाता है साउथ पोल, जी हाँ साउथ फेस कहा जाता है उसको, जहां पे अमेरिका ने पहुंचने में 14 बार का टाइम लगा दिया था और रशिया ने वहां पे पहुंचने में 12 बार का समय लगा दिया था। मतलब एक बार अमेरिका ने 14 अपनी मिसाइलें खराब की हैं और रशिया ने 12 बार अपनी मिसाइलें खराब की। और हमारा जो लैंडर विक्रम है वो अभी खराब नहीं हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत से चैनलों ने बताया फेल हो गया या कुछ हो गया, फेल या कुछ नहीं हुआ है, हमारा लैंडर विक्रम वहीं पर खड़ा हुआ है, सिर्फ हमारा कम्युनिकेशन टूट गया। अब कम्युनिकेशन जुड़ने के बाद क्या होगा, मैं आप लोगों को सरल भाषा में समझाता हूं। ऑर्बिटर जो है चंद्रमा से पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि जो ऑर्बिटर होता है उसकी जो वैधता होती है वो होती है 2 साल, मतलब ये 2 साल तक काम करता रहेगा और 2 साल तक हमको तस्वीरें भेजता रहेगा, 2 साल बाद उसका ईंधन खत्म हो जाता है, उसमें 500 किलो तक का ईंधन भरा जाता है। पहले वो वहां पे ब्रह्मांड की ग्रेविटी इस्तेमाल करता है, उसके बाद ग्रेविटी काम नहीं करती है तब ईंधन का इस्तेमाल करता है। इसकी वैधता 2 साल होती है, मतलब 2 साल तक हमें किसी भी तरीके की चिंता नहीं करनी है और हमें सारी तस्वीरें मिलती रहेंगी। अब हमारा जो लैंडर वहां पे विक्रम लैंडर पहुंचा है, उसके अंदर जैसे ही इसरो के हेडक्वार्टर से उसका कॉन्टैक्ट होगा, एक कोड डालेंगे, कोड डालते साथ ही उसमें ट्रांसपोन नाम का एक ऐसा व्हीकल रखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूं, एक ऐसी मिसाइल रखी हुई है, एक ऐसी चीज रखी हुई है जिसके नीचे 4 पहिए हैं और वो जाएगा साउथ पोल की ग्रेविटी में। उस आप लोग एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, एक छोटी सी ऐसी कार रखी हुई है जैसे आप लोगों की रिमोट वाली कार होती है, वैसे ट्रांसपोर्ट नाम का एक उसके अंदर छोटी सी ऐसी कार रखी हुई जिसको हमको साउथ फेस में भेजना है। क्योंकि इस कार का काम क्या होगा, वहां पे जो साउथ पोल में ग्रेविटी है चंद्रमा के, वो इतनी ज्यादा है कि उस कार को इसीलिए बनाया गया कि वो वहां पे जाके लोकेट कर दे और ऑर्बिटर से पूरी तरह से हमें जितनी पिक्चरें होंगी HD में मिलेंगी, हमें चंद्रमा की हर पल की खबरें मिलती रहेंगी। चंद्रमा पे आप लोगों को मैं बता देता हूं, ये काम अमेरिका ने 12 साल पहले किया था, जी हां साउथ पोल में 12 साल पहले अमेरिका पहुंचा था, लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था। अब बता दूं, नासा और रशिया के स्पेस एजेंसी एवं इजराइल के स्पेस एजेंसी भारत को 4 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। जी हाँ, हमारे इसरो के पास 4 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है ताकि हम लोग दूसरे देशों की मिसाइल लॉन्च कर पाए। ये जान के आप लोगों को गर्व होगा भाई बहनों कि चाइना और मलेशिया, सिंगापुर जैसे देश भी अब भारत के पास आएंगे और भारत से उसकी टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए उम्मीद करेंगे कि हम लोग उनकी मदद करें। भाइयों बहनों, ये इसरो जो है, इसरो ने आज वो कर दिखाया कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं अभी भी बता दे रहा हूं, हमारा मिशन 95% तक पूरी तरह से सफल रहा है, हमारा ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, 2 साल तक काम करता रहेगा। बस हमारा एक मकसद है, जो हमारा लैंडर विक्रम है उससे हमारा किसी तरीके से कॉन्टैक्ट हो जाए और कम्युनिकेशन स्किल होते साथ हमें अपने ट्रांसपोन में एक ऐसा कोड डालना होगा कि वो काम करने लगे और साउथ पोल मतलब डायरेक्शन 234 में जाके वो सारा जो ऑर्बिटर है उससे वो कॉन्टैक्ट बना ले और हम हर तरीके से काबू पा ले चंद्रमा पे और
पृथ्वी के हर कोने पे अब हमारी इमेजेस रहेंगी। आप लोग अगर नहीं जानते, इसका आर्मी ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऑर्बिटर जो इमेजेस भेज रहा है, हमारी भारतीय आर्मी जो है और भारतीय नेवी है वो इसका अभी से इस्तेमाल करना चालू कर दिया। जी हाँ भाइयों बहनों, इसरो ने वो करके दिखा दिया है जो आज तक नहीं हुआ था। सबसे कम बजट, मैं बता दूं इसका मात्र बजट जो है वो 800 करोड़ है। अगर पूरे भारतीयों की जेब पे मैं खर्चा भी डालूं, हर भारतीय की जेब से मात्र 3 रुपए गया है। और आप लोग को बता दूं 2021 तक हम लोग ऐसी 8 मिसाइलें और लॉन्च करेंगे। तो भाइयों बहनों, ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए।